हेलो एवरीवन वेलकम टू समता एजुकेशन ट्रस्ट दिस इज नीलम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर डिटेक्शन सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन सो एज पर द डिरेक्शन द गिविन सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स जो दिया हुआ सेंटेंस है वो फोर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एरर इफ एनी विल बी इन एनी वन पार्ट ऑफ देंटेंस किसी एक पार्ट में एरर होगा सेलेक्ट दिन दार्ट ऑफ देंटेंस विच हैज एर एंड आपको ऐसा पार्ट एज एन आंसर सिलेक्ट करना है जिस पार्ट में एरर होगा एंड एर जो होगा ये ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल कोई भी एरर हो सकता है एंड इफ दर इज नो एरर चूज ऑप्शन ई सो लेट्स चेक सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड एज यू कैन सी धिस सेंटेंस हैज बिन डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट ए बी सी एन एंड ये जो लास्ट पार्ट है ये है नो no एरर मतलब कि अगर सेंटेंस एरर फ्री है इस सेंटेंस में अगर कोई भी एरर नहीं है तब आपको ऑप्शन नंबर फाइव को मार्क करना है सो so, देखिएगा इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है देन वी विल डिस्कस so let's check guys there is no road map yet to a return to the status uh, यहां पर अगर देखेंगे there is an is आया है no road map बिल्कुल यहां पर सही है yet to return to a return uh, मतलब uh, लौटने के लिए अब कोई road map नहीं है to the status जो status है स्टेटस क्यूओ ओके स्टेटस क्यूओ सॉरी ये एक नाउन होता है स्टेटस क्यू प्रायर टू दी मेस मेस ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना प्रायर टू मेस ट्रांसग्रेशंस बाय चाइना यहां पर भी ये बिल्कुल सही है विच जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की जो ऐसे यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे ट्रांसग्रेशंस जो चाइना के द्वारा जिनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने एक्नोलेज किया है सो हैज एक्नोलेज लास्ट वीक अब यहाँ पर अगर बात करें सो so यहाँ पर ये यह जो लास्ट वीक है ये लास्ट वीक है एडवर्ब ऑफ पास्ट एंड जब भी एडवर्बॉफ so पास भी वर्ब आएगा, वो में होना चाहिए सो so यहाँ हम देख पा रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दिस मीन दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक है विच इज एन एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम जो कि हमें पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है सो so, यहाँ पर इस वजह से ये जो सेंटेंस होना चाहिए ये सिंपल पास्ट में होना चाहिए एंड सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता सो so, हमने देखा ये सिंपल सॉरी uh, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है बट ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आया है विच इज लास्ट वीक सो यहाँ पर इस हैज को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा एंड सिर्फ यहाँ पर होगा एक्नोलेज अब ये जब हैज के साथ एक्नॉलेज आया तब वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में था जब लेकिन वो अकेला है तब वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है सो सी पार्ट वॉज एरोनियस हियर नेक्स्ट क्वेश्चन सो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर होगा देन वी विल डिस्कस सो लेट्स चेक गाइस पीस ऑन द बॉर्डर इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट पीस ऑन द बॉर्डर बॉर्डर पर इज व्हाट एवरी अदर एस्पेक्ट बिल्कुल सही है एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप किसके साथ चाइना के साथ हैज एंड हैज के साथ यहां पर देखेंगे हैज रेस्टेड इन ओके अच्छा रिलेशनशिप विथ रेस्टेड इन ओवर द पास्ट थ्री डिकेड्स फ्रॉम ट्रेड टू ग्रोइंग लिंक्स इन न्यू फील्ड सचास इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन सो यहाँ पर अगर बात करें सो so यहाँ पर ये यह जो है रेस्टेड इन ये एक फ्रेजल वर्ब होता है एंड यहाँ पर ये यह इन तो बिल्कुल गलत है सॉरी रेस्टेड इन नहीं ये होता है रेस्टेड ऑन या होता है रेस्ट ऑन एंड यहां पर ये रेस्ट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन या हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन समथिंग So the correct phrasal verb is rest on, naki rest in. So it should be on, not ki in. So part B is erroneous here. Next question.

चाइना से विच येट अगेन कि जिसने फिर से क्या किया फिर से ब्लेम किया इंडिया को ब्लेम्ड इंडिया फॉर द्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस के लिए saying, ये कहते हुए द रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी जिम्मेदारी है टोटली totally लाइज की टोटली totally लाइक करती है विद इन द इंडियन साइड की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इंडिया की ही थी या इंडियन साइड की ही थी तो यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है एंड दैट इट हैड स्ट्रिक्ट अबाइडेड टू बॉर्डर एग्रीमेंट्स मतलब जितनी भी ये जो क्राइसिस हुआ है ये क्राइसिस इंडिया के इंडिया की वजह से हुआ है एंड चाइना जो था चाइना ने स्ट्रिक्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स था उसे क्या किया है अबाइड किया है एंड अबाइड मतलब क्या होता है follow करना, rules को, uh, मानना. तो यहां पर अबाइड यह टू एक फ्रेजल वर्ब है अगेन जिसका मतलब होता है टू फॉलो करना या अबाइड करना या रूल्स पे uh, मतलब पालन करना कह सकते हैं हम सो so यहाँ पर अबाइड टू नहीं होता अबाइड के साथ हमेशा प्रपोजिशन बाई का यूज होता है अबाइड बाई अबाइडेड बाई सो D part was aerodyssey next question लेट्स चेक गई होप सभी को आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का अपोजिशन वॉन्ट्स इफ द अपोजिशन अपोजिशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है सो so वर्ब भी यहां पर सिंगुलर है बिल्कुल सही है इफ द अपोजिशन टू टू के साथ गवर्नमेंट government. Government के पहले हमेशा द फॉलो होता है बिकॉज गवर्नमेंट इज नाउन एंड नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज किया जाता है इफेक्टिवली वॉन्ट्स टू चैलेंज द गवर्नमेंट इफेक्टिवली इफेक्टिवली यहां पर एक एडवर्ब है क्योंकि चैलेंज यहां पर क्या है टू चैलेंज वर्ब की तरह काम कर रहा है एंड चैलेंज का प्रोसेस कैसे होगा इफेक्टिवली सो हियर इट इज एडवर्ब सॉरी इट शुड बिल्ड अ पॉलिटिक्स मूवमेंट उन्हें क्या करना चाहिए पॉलिटिक्स मूवमेंट अब अगर बात करें सो हियर मूवमेंट इज अ नाउन एंड पॉलिटिक्स इज अ नाउन एंड हमेशा याद रखना है नाउन के बाद कभी भी नाउन फॉलो नहीं होता या ये कह सकते हैं कि नाउन के पहले कभी भी नाउन नहीं आता है. हमेशा एडजेक्टिव होता है बिकॉज ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है जो नाउन के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं ना कि नाउन सो हमेशा याद रखें नाउन के पहले कभी भी नाउन का यूज नहीं किया

Next question. क्वेश्चन सो लेट्स चेक ही also appealed उसने ही uh, also appealed मतलब अपील appeal भी किया टू दी members, members से अपील किया टू अबाइड बाय देखिए यहाँ पर अबाइड के साथ बाय आया है सो ये बिल्कुल सही है अबाइड बाय the rules मतलब रूल्स को अबाइड करे फॉलो करे उनका पालन करे नॉट टू टू के साथ will नॉट टू violate शेड्यूल H one एंड कीप यहाँ तक बिल्कुल सही है सेंटेंस एंड कीप ऑथेंटिक रेकॉर्ड रेकॉर्ड यहाँ पर नाउन होगा एंड ऑथेंटिक क्या हो जाएगा यहाँ पर एड्जेक्टिव सो बिल्कुल सही है यहाँ तक बिल्कुल सही है प्रोडक्ट्स परचेज ऑफ प्रोडक्ट लाइक एल्प्राजोप्लैम लिस्टेड इन शेड्यूल एच वन सो यहां तक ये सेंटेंस कंप्लीटली सही है दर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस सो देंटेंस इज एर फ्री So, the correct choice would be option number five, that is, no error. Next question, guys. नी एग्रीमेंट विथ नो साइन ऑफ एनी एनी के पास सिंगुलर नाम बिल्कुल सही है एग्रीमेंट बिटवीन बिटवीन मतलब यहाँ पर टू एंटीटीज की बात की जा रही होगी सो देखते हैं बिटवीन मतलब द गवर्नमेंट एंड द प्रोटेस्टिंग फार्मर मतलब एक तरफ गवर्नमेंट है एंड एक तरफ ये प्रोटेस्टिंग फार्मर्स का ग्रुप है सो बिटवीन यहाँ पर बिल्कुल सही है एंड सॉरी फार्मर्स इवन आफ्टर इवन आफ्टर फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक्स ऑन सैटरडे सो यहां पर बात करें दिस फिफ्थ इज एन एडजेक्टिव एंड इस एड्जेक्टिव हम इससे सॉरी इस एड्जेक्टिव को हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई ऑर्डिनल एड्जेक्टिव आता है मतलब की ऐसे एडजेक्टिव जो हमें ऑर्डर बताते हैं जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके के इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है सो इट शुड बी इवन आफ्टर दी फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक्स ना कि आफ्टर दी सॉरी आफ्टर फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक्स सो पार्ट बी सो आगे एक बार देख लेते हैं कंप्लीट सेंटेंस को इवन आफ्टर द फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक्स ऑन सैटरडे द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल एंड द नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल बिल्कुल सही है फॉर डिसम्बर नाइन फार्मर्स आर स्टिकिंग टू देयर फर्स्ट एंड मेजर पॉइंट अगेन यहाँ पर देखेंगे अगेन आप कहेंगे कि यहाँ भी फर्स्ट है तो इस पार्ट में भी एरर होना चाहिए लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर ये जो पार्ट है ये सी पार्ट बिल्कुल सही है बिकॉज जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा द फॉलो होता है जैसे कि द फर्स्ट द सेकेंड द फोर्थ द फिफ्थ ऐसे एड्जेक्टिव जो हमें ऑर्डर के बारे ऑर्डर बताते हैं लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है गाइज एंड ये जो एक्सेप्शन होता है ये पॉजिस केस के लिए होता है दिस एक्सेप्शन इज ओनली फॉर केस ऑफ पॉजिटिव केस जब भी आता है एडजेक्टिव का जैसे यहां पर बात करें देखिए यहां पर ये फर्स्ट एंड मेजर एंड फर्स्ट एंड मेजर क्या है पॉइंट है पॉइंट यहां पर नाउन है मतलब कि ये फर्स्ट एंड मेजर दिस बोथ आर एडजेक्टिव्स विच आर क्वालिफाइंग नाउन पॉइंट सो यहां पर ये भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसके पहले ये देयर वर्ड आ रहा है विच के uh, uh, जो एक पॉजिटिव केस है पॉजिटिव केस मतलब होता क्या है पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव मतलब ये पॉजिटिव केस की प्रोनाउन मतलब ऐसे वर्ड्स uh, जो हमें पजेशन के बारे में बताते हैं जैसे कि देर अगर मैंने कहा देर हाउस तो यहां पर ये यह पजेशन बता रहे कि उनका हाउस हिज हर Uh, या माय ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव केस के प्रोनाउन होते हैं ये पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव होते हैं एंड ये जब भी आएंगे इस एडजेक्टिव के पहले तब यहाँ पर आर्टिकल द की कोई भी जरूरत नहीं होगी ओके सो यहाँ पर इसीलिए इस, इस फर्स्ट के पहले आर्टिकल द की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ दिस देयर विच इज अ पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव ओके एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं ही वॉज माई the first friend. He was my the first friend. And अगर यहां बात करें friend is a noun. So again this first is an adjective which is ordinal adjective. लेकिन यहां पर is the की use the का use बिल्कुल नहीं किया जाएगा because here this my is a possessive case. ओके okay. माय मतलब क्या होता है माय योर मेरा तुम्हारा उसका मतलब ये पोजेशन बताता है जैसे मैंने कहा माय फ्रेंड मेरा फ्रेंड योर हाउस तुम्हारा घर इसीलिए इस माय की वजह से यहाँ पर द नहीं आएगा लेकिन यहां पर कोई भी पजेसिव केस नहीं था इसलिए यहां पर हमें द यूज करना बहुत जरूरी था मतलब कि ये ग्रामेटिकल एरर बन जाता है अगर यहां द का यूज ना किया जाए सो पार्ट बी इज एरोनियस हियर नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट्स चेक आइस द गवर्नमेंट्स दवर्नमेंट्स ऑफर गवर्नमेंट का ऑफर बिल्कुल सही है टू अमेंड दिस रिजेक्ट किया गया है यहाँ तक बिल्कुल सही है बाई ओवर फोर्टी फार्मर यूनियन लीडर्स मतलब चालीस से भी ज्यादा फार्मर यूनियन लीडियस लीडर्स द्वारा ये जो ऑफर था इसे रिजेक्ट कर दिया गया है हु हैव बिन टॉकिंग हु हैव बिन टॉकिंग जो बात कर रहे थे टू दी गवर्नमेंट जिनका मतलब कन्वर्जेशन गवर्नमेंट से चल रहा था हु हैव बिन टॉक यहाँ तक भी बिल्कुल सेंटेंस सही है ऑन बिहाफ ऑफ किसके बिहाफ पे ऑफ ऑफ थाउजेंड्स फार्मर्स बिल्कुल सही है सिटिंग ऑन फाइव डिफरेंट बॉर्डर्स अ सेट ऑफ फाइव मेजर डिमांड्स एंड ये डिफरेंट फाइव डिफरेंट बॉर्डर्स पर बैठे हुए देश की विथ अ सेट ऑफ फाइव मेजर डिमांड्स एंड उनकी पांच मेजर डिमांड्स है टिल नवम्बर ट्वेंटी सिक्स अब यहां पर बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जो ऑफर दिया था ये लॉज अमेंड करने को ये रिजेक्ट कर दिया गया है चालीस से भी ज्यादा फार्मर यूनियन लीडर्स के द्वारा जो जिनकी बातचीत चल रही थी गवर्नमेंट से ऑन बिहाफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर के बिहाफ पर जिन लोगो uh, जिनकी बातचीत चल रही थी गवर्नमेंट से जो फाइव डिफरेंट बॉर्डर पर बैठे हुए है जो अपनी पांच मेजर डिमांड को लेके सिंस नवंबर ट्वेंटी सिक्स के कि ऐसे फार्मर्स जो ट्वेंटी सिक्स नवंबर से बॉर्डर पर बैठे हुए है सो इट शुड बी सिंस नॉट कि टिल सो द डी पार्ट इज एरोनियर सो द रिक्वायड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फोर Next question. So let's check guys. India will never forget. India will never. Will के साथ even बिल्कुल सही है. The coward attack on its parliament. अब यहाँ पर बोला जा रहा है attack and attack is a noun. And अभी हमने बात की थी noun के पहले हमेशा adjective होगा. And this coward is also again a noun. ये कावड़ हमेशा नाउन होता है ये लगता है एडजेक्टिव लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं होता है दिस इज अ नाउन एंड यहां पर कावड़ का एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है ये होता है कावड़ली सॉरी इट शुड बी कावर्डली ओके सी ए डब्ल्यू ए आर डी एल वाई कावर्डली बिकॉज कावड़ अगेन क्या होता है ये एक नाउन होता है एंड हमें नाउन के पहले नाउन की जरूरत नहीं है द वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन इज एन एडजेक्टिव सो यहां पर क्या हो जाएगा कावड़ली सो एरर इज इन पार्ट ए एक एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड का शी कंसिडर्ड हिम अ कावर्ड ओके शी हिम अ कावर्ड तो उसने उसे क्या कंसिड कंसिडर किया कावर्ड तो यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह नहीं सो so, हमेशा याद रखना है लगता है ये कि एडजेक्टिव होगा लेकिन होता ये एक नाउन है एंड इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा ये होता है कावर्डली सो नाउन के पहले हमेशा कावर्डली आएगा ना कि कावर्ड सो पार्ट इज एरोनियस हियर एंड देख लेते आगे भी ऑन इट्स पार्लियामेंट अ प्राइम मिनिस्टर सॉरी सॉरी पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट ऑन संडे पेब्यूट टू सिक्योरिटी पर्सनल पर्सोनल की बात की जा रही है अगेन टू सॉरी कावडली अटैक एंड आगे नो एरर सो पार्ट ए इज एरोनियर नेक्स्ट क्वेश्चन so let's check guys defense minister rajnath singh said that the country will always remember ki country hamesha remember yaad rakhegi the valor valor matlab yahan par bol sakte hain hum jo courage karej dikhaya tha kinone of the security personnel security personnel का जो valor था जो courage था who जिन्होंने हु मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल की बात की जा रही है हु लेड ऑफ देयर ड्यूरिंग द टेरर अटैक एंड जिन्होंने अपनी लाइफ क्या कर दी जान दे दी है ना या गिव अप इस ये जो होता है ये एक फ्रेजल वर्ब है एंड यहाँ पर ये जो है ये ऑफ नहीं होगा यहाँ पर ये हो जाएगा लेट डाउन हु डाउन देयर लाइव ड्यूरिंग द टेरर अटैक मतलब जिन्होंने क्या की अपनी जान दे दी या फिर हम कह सकते हैं गिव अप करना या सरेंडर कर देना सो इट शुड बी लेट डाउन नॉट लेड ऑफ

हाईकोर्ट जजमेंट दैट फ्राउंड ऑन जो फ्राउंड ऑन रिलीजियस कन्वर्जन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज एंड द हॉरिबल मर्डर ऑफ ट्वेंटी टू ईयर ओके सो यहां बोला जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जजमेंट दिए क्या दैट फ्राउंड ऑन एंड फ्राउंड ऑन ये एक्चुअली uh, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है लेकिन ये फ्राउंड ऑन नहीं होता है फ्राउंड अप ऑन होता है एंड फ्राउंड अप ऑन विच मीन्स टू डिसूव समथिंग टू डिसअ्रूव समथिंग इसे हम कहते हैं यहां पर फ्राउंड

एंड हमेशा याद रखना है नंबर है सो so ये ईयर सिंगुलर में होता है एंड ओल्ड भी यहाँ पर ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड कभी नहीं होगा हमेशा ईयर होगा वुमेन वुमेन इन फरीदाबाद बाई अ स्टोकर हु मुस्लिम सो पार्ट ए एरोनियस एरोनियर सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन गाइज थैंक यू वेरी मच